मानना ये है हमारा कि ये हम में रूह डालते हैं, हम इन में रूह डालते हैं। ये जो ढोल है हमारा, ये लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग नहीं है। आप मुझसे मिलने आए हैं, आप मुझसे नहीं मिलने आए, आप ढोल वाली से मिलने। अगर मैं ढोल ना बजाती तो हमारी आज ये मुलाकात नहीं थी। हम लोग दरबार पे जाते थे, ढोल प्ले करते थे हम लोग, और जैसे जश्न होते हैं वहाँ पर जाते हैं, और वो जो वो लोग एक्टिविटीज़ करते थे उसका मुझे मज़ा आता था। तो वो जो ड्यूटीज़ थी शायद उसने मुझे अपने अंदर रखा, और मैंने फिर कुछ और किया नहीं। अच्छा, शुरू में पता क्या लगन थी, आज इस दरबार पे बजाया ना, अब उस दरबार पे भी बजाना है, अब उस दरबार पे भी बजाना है। तो वो हमें ऐसा लगता है 4-5 दरबार हैं, लेकिन वो जब खुलते जाते हैं तो आज भी 9 साल हो गए बजाते हुए, आज भी मुझे नए दरबारों का पता चलता है, इवन अपनी सिटी में रहते हुए कि अच्छा वहाँ पर भी दरबार है। तो वो करते, वो क्या होता था, मैं जहाँ पर जाती थी ना, जहाँ पर ड्यूटी देती थी, ढोल बजाती, वहाँ का एक धागा पहन लेती थी। अब वो धागों से मोहब्बत होने लग गई। मुझे आज भी याद है मेरा जो फर्स्ट कॉन्सर्ट था, उस पर जब मैं स्टेज से नीचे उतरी तो एक आंटी मेरे पास आई, और उन्होंने आके मुझे बोला, पहले तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, मुझे उनके वर्ड्स कभी भी नहीं भूलते। शी सेड टू मी कि आपने ना बेनज़ीर वाला काम किया है। तो उस टाइम तो नहीं मुझे समझ आई कि क्या, तो मैंने आंटी से पूछा, आंटी क्या? कहती हैं वो चारों सूबों को लेकर साथ चला करती थी, तो आपने चारों सूबे बजाए हैं, आपने सिर्फ, आप पंजाब से हैं और ये पंजाब का कल्चर है, लेकिन आपने चारों सूबों को रिप्रेजेंट किया है, तो वो एक हमें बहुत अच्छी फीलिंग आई है। लेकिन जो मेरा अपने टीचर के साथ टाइम गुजरा है, जो गूंगा साईं जी के साथ टाइम गुजरा हुआ है, और मुझे लगता है कि वो ना तो मैं कभी किसी और के साथ पैसा स्पेंड कर सकती हूँ, ना मुझे कोई उस तरह से इतना बच्चों की तरह पैम्पर कर सकता है, प्यार कर सकता है, और मैं उनको हर मोमेंट पे याद करती हूँ। असल में मैंने ढोल बजाना शुरू किया था जब मेरी फैमिली में डेथ्स हुई थी, मेरे बहुत करीबी सब थे, उनकी डेथ्स हुई थी, और ढोल बजाने की वजह शायद हमेशा से ये रही कि उन्होंने प्यार ही बहुत किया, तो मुझे थोड़ा सा, आप भूलते तो नहीं हो किसी को, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस हो जाता, आपको शोल्डर मिल जाता है। तो उन्होंने एक बाप की तरह जिस तरह से मुझे ग्रो किया और सिखाया और प्यार किया। जब मैंने इसको बजाना शुरू किया था तो उस टाइम पे जब मेरी जो फर्स्ट और सेकंड क्लास थी ना, तो वो उसमें मुझे ऐसा फील होता था कि यार तू अपना मास्टर्स कंप्लीट कर ले हुरिया, ये ज़्यादा मुश्किल है, ये तू किस चीज़ में फंस गई है। अब मुझे जब उसका बीट, वो जो ठेका होता है, लेसन, वो समझ नहीं आता था, तो मैं उसकी इक्वेशन बनाती थी मैथ्स की तरह। लेकिन मेरे टीचर्स की मैं कहूँगी इसमें एफर्ट्स और दुआएँ बहुत ज़्यादा हैं कि मेरे पास बहुत जल्दी जो है वो टेम्पो मेरे अंदर आ गई। एक चीज़ आपके अंदर बंद होती है और वो निकल जाती है। हर कोई ढोल नहीं बजा सकता या हर कोई गा नहीं सकता जब तक उसके अंदर गॉड गिफ्टेड ये चीज़ होती है, एक चीज़ अंदर ना, वो उन्होंने पॉलिश करके उसको बाहर निकाल दिया। हाँ, लेकिन जब हाथ छिलते थे और हाथों से खून निकलता था और मसल स्टिफ हो जाते थे, मैं थक जाती थी, और मुझे कहा नहीं 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 अभी और बजाओ और बजाओ। और अच्छा होता क्या, प्रैक्टिस में जहाँ पर आप थकते हैं ना, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है। बचपन में गिटार का शौक हुआ करता था, तो आप गिटार प्ले करती हूँ, सीखा नहीं लेकिन प्ले कर लेती हूँ उसको। उस टाइम पर जो मेरी मदर साइड की फैमिली थी, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। एक तो वो लोग कादरी सिलसिले से थे और ये कलंदरी सिलसिला है ढोल जो है, तो वो एक सिलसिला जात भी आ गए, और फिर मेरे कुछ मामूज़ और खालाज की तरफ से क्रिटिसिज्म आया, क्योंकि जब आप एकदम से बजाने लगते हो उस टाइम पे कोई भी आपके साथ नहीं होता, और फिर एक वो वक्त आता है जब सब लोग बोलते हैं हाँ ये मेरी भांजी है, हाँ ये मेरी कज़न है, हाँ ये मेरी फ्रेंड है। मेरे कुछ बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी ऐसे थे जिन्होंने मुझे ये बोला कि नहीं हमें तो तुम अच्छी नहीं लगी जब तुमने ढोल पहना हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे जो मदर थी और मेरा जो भाई था वो सपोर्टिव थे। फादर की चूंकि मेरी डेथ हो चुकी थी जब मैंने ये प्ले करना शुरू किया, अगर मेरे फादर होते तो मुझे कभी भी ना बजाने देते। अब कोई और मैं काम करूं अपने हाथ से अलग पोजीशन का, ढोल से अलग पोजीशन का, मेरे हाथ की पोजीशन ख़राब हो जाती। तो वो बहुत सारी इस तरह की सिचुएशंस का मैंने सामना किया। लेकिन मज़े की बात ये थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे हर जगह पे सपोर्ट किया, मेरे इन लॉज बहुत सपोर्टिव थे। पहले क्या होता था, कॉन्सर्ट पर जाना है, सुबह उठे हैं, आराम से अपना नाश्ता किया है, रेडी होने लग गए हैं, कॉन्सर्ट का टाइम हो गया, घंटा पहले आराम से घर से निकले। अब कहीं छोटा सा भी काम होता है जाना पड़ता है, तो आपको ये भी पता है आपने घर में भी खाना देना है, इधर भी देना है, करना है, उसके कपड़े चेंज कराने हैं, उसका कपड़े निकालने यूँ करना है, तो वो थोड़ी सी चीज़ें
लेकिन मैनेज करनी पड़ती है आपको, यही सक्सेस है कि आप हर चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। जब से हुरिया ने स्टार्ट किया है, क्योंकि पहली स्टूडेंट यही है हमारी, 9 साल हो गए इसको, तो जब से इसने स्टार्ट किया है काफ़ी लड़कियां इन हो गई हैं, काफ़ी जितनी भी बजा रही हैं वो भी हमारी स्टूडेंट ही हैं, हमारे ही बच्चे हैं, लेकिन ये है कि इसको देख के जो है ना वो काफ़ी इन हो गई हैं, लड़कियां बजा रही हैं, वो भी उनको पता चला कि ये उस्ताद जी से मिठू साईं गुंगा साईं की स्टूडेंट है।